यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास है रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G और वन प्लस नोट सीई टू लाइट 5G जिसमें सेम चिपसेट लगा हुआ है, स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर है। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसका स्पीड टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन अच्छा परफॉर्म करता है स्पीड के मामले में। और एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि दोनों का सेटिंग मैंने सेम कर दिया है, जैसे कि रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G में 2GB तक का ही मेमोरी एक्सटेंशन सपोर्ट करता है यानी कि वर्चुअल रैम, वही हमने यहाँ पे वन प्लस में भी 2GB तक का ही वर्चुअल रैम को सपोर्ट करने दिया है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। तो स्पीड टेस्ट के मामले में वन प्लस यहाँ पे रेडमी नोट 11 प्रो प्लस को हरा देता है, क्योंकि वन प्लस में अभी एंड्रॉयड 12 रन कर रहा है। मे भी अगर रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G में भी एंड्रॉयड 12 आ जाएगा तो हो सकता है कि दोनों फोन एक दूसरे को काफी अच्छा टक्कर देगा, बट अभी के लिए जो विनर है वो वन प्लस नोट सीई टू लाइट 5G है। और जैसे ही रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G में एंड्रॉयड 12 का सपोर्ट मिलेगा, वैसे और एक स्पीड टेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा हमारे इस चैनल पे। तब तक के लिए आपको करना क्या है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पर्सनली कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा।